नमस्कार। चलिए आज हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी है जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर कौन से पढ़ा था? हमने चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट को पढ़ा था, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या पढ़ा था? सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री हमें कहाँ कहाँ से, हिस्ट्री को बताने का, हिस्ट्री हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, किस किस चीजों से हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है। अतीत मतलब जो हमारा बीत गया पास, हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलता है, उनके उपयोग किए हुए सामान, किस प्रकार के बर्तन का यूज करते थे, किस प्रकार वो एक खाद्य संग्राहक से एक खाद्य भंडारक बने, मतलब कि एक फूड गेदर से एक फूड प्रोड्यूसर बने। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे जो हमारा जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो इंस्क्रिप्शन के द्वारा होता है, और भोजपत्र के द्वारा होता है, ताम्रपत्र के द्वारा होता है, आर्कियोलॉजिस्ट के यहाँ देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल के, मॉन्यूमेंट, टूल्स, यूटेंसिल, वेपन, क्वाइन, इन सबों के माध्यम से हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है उसे हमने यहाँ तक पिछली बार पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि टीचर्स एग्री एंड फर्दर सेड व्हेन वी रिटर्न अबाउट अ ट्रिप फ्रॉम एनीवेयर वी टेल पीपल्स अबाउट दैट प्लेस एंड इट्स पीपल। हमने पढ़ा था कि जब हम कहीं से ट्रिप, कहीं से घूम कर आते हैं तो हम उसके बारे में हम अपने दोस्तों को बताते हैं, हम अपने संबंधियों को बताते हैं, सगे संबंधियों को बताते हैं कि वो प्लेस कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उस लोगों से आपको बात करके कैसा लगा, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनके जो घर बनाने के तरीके हैं वो कैसे लगे। तो ये सब जो होता है सिमिलरली उसी तरह द एंशियंट टाइम्स ऑल्सो फॉरनर ट्रेवल्स वुड ट्रेवल टू सेवरल कंट्रीज, बोल रहा है कि वो जो ट्रेवलर्स आते थे वो एक देश से दूसरे देश भ्रमण करते थे, और वो अपने वृतांत में, अपने जो यात्रा वृतांत जो होता था, जिसे वो लिखते थे, वो अपना वर्णन लिखते थे अपनी जो सी वो से मतलब कि समुद्री यात्रा के बारे में जो वर्णन लिखते थे, उसमें वो जिस जिस देश का भ्रमण करते थे वहां के लोगों का वह उल्लेख करते थे। तो इससे भी हमें हिस्ट्री का की बहुत अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ आगे। मोनू मोनू इन्फॉर्म दैट ही हैड सीन द वुडन इंस्क्रिप्शन विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम किरारी विलेज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन द महंत घासीदास म्यूजियम एट रायपुर। क्या बोल रहा है कि जो मोनू है वहां पे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, तो मोनू जो है इन्फॉर्म सूचित किया है, वो क्या किया कि मैंने देखा है वुडन इंस्क्रिप्शन। क्या बोला कि मैंने वुडन इंस्क्रिप्शन देखा है, क्या देखा है, लकड़ी की जो नक्का लकड़ी पे जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, लकड़ी पे अलग अलग तरह के नक्काशी बने होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर के तरह के उसपे बहुत सारी बनावट बनी रहती है, उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, और लकड़ियों पे भी लिखाई पहले की जाती थी। ठीक है, तो विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम किरारी, कहाँ पे किरारी विलेज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे किरारी विलेज में, कहाँ पे है यह, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, इन द महंत गुरु घासीदास म्यूजियम, गुरु घासीदास म्यूजियम एट रायपुर। बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे किरारी विलेज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, और महंत गुरु घासीदास म्यूजियम जो रायपुर में है वहां पे उसने वुडन इंस्क्रिप्शन देखा है। टीचर्स टोल्ड देम हाउ सेवरल अदर एंशियंट थिंग्स हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द टाइम। बोल रहा है कि जो ये सब इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो मॉन्यूमेंट होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, ये सभी हमें उस समय के एंशियंट इरा के बारे में, हमें उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है।
लाइक विच टाइप्स ऑफ यूटेंसिल वर यूज्ड, वे किस प्रकार का यूटेंसिल यूज करते थे, हाउ वर दे कॉम, वो किस प्रकार का कॉम किया करते थे, किस प्रकार की कॉम मतलब क्या था, आप जान रहे हो कॉम मीन्स क्या होता है, तो किस प्रकार का कॉम यूज करते थे, व्हाट आर देयर वे ऑफ ड्रेसिंग अप, वो कैसे ड्रेस पहनते थे, विच दे विच व्हाट डिड दे ईट, वो क्या खाते थे, और विच गॉड एंड गॉडेस वर वर्शिप, वो किस प्रकार कौन से देवी देवता की पूजा करते थे, इसके बारे में भी हमें पता होता है. बिसाइड दिस हिस्ट्री इन्फॉर्म अस अबाउट द वेरियस किंग्स एंड देयर एम्परर एंड अबाउट ऑल पीपल बिग एंड स्मॉल ऑफ दैट टाइम, क्या बोल रहा है, बिसाइड दिस हिस्ट्री इन्फॉर्म अस, जो हमारा हिस्ट्री होता है वो हमें क्या इन्फॉर्म करता है, अबाउट द वेरियस किंग, अलग बहुत सारे किंग जो हमारे उस समय के जो जो फर्स्ट हिस्ट्री में, जैसे हमने देखा कि मगध साम्राज्य के राजा कौन कौन होते थे, मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, इस प्रकार हमें ये सब के बारे में जानकारी मिलती है. देयर एम्परर, उनके साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, एंड अबाउट ऑल पीपल्स, और वहाँ के पीपल्स के बारे में जानकारी मिलती है, बिग एंड स्मॉल ऑफ दैट टाइम, उस समय बाहर बड़े और छोटे उन सबों के बारे में हमें जानकारी मिलती है. ठीक है, अब देखिए स्वाति आस्क्ड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तभी स्वाति ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ये दिमाग यही क्वेश्चन आप सबों के दिमाग में आते रहता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, व्हाई व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, द टीचर एक्सप्लेन्ड इट इज एसेंशियल टू नो हाउ वी वर अर्ली, क्या बोल रहे हैं हम, टीचर क्या बताई कि जो हमें इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है जानना, यह जरूरी है जानना, हाउ वी वर अर्ली, हम लोग पहले किस प्रकार रहते थे, हम लोग पहले किस प्रकार रहते थे, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, हमें अपने वर्तमान को जानने के लिए नॉलेज ऑफ द पास्ट इज अ मस्ट, हमें अपने पास्ट को जानना बहुत जरूरी है, हमें अपने प्रेजेंट को जानने के लिए हमें अपने पास्ट को जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, हिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, क्या बोल रहा है, जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही एक्साइटिंग होता है. ठीक है, इट इज द स्टोरी ऑफ आवर डेवलपमेंट, यह स्टोरी क्या कहा, हमारा डेवलपमेंट कहा, ह्यूमन जाति का जो ह्यूमन बींग्स है उसका डेवलपमेंट की स्टोरी जो है वो क्या है, हिस्ट्री है. इट इज वाई रीडिंग हिस्ट्री हिस्ट्री दैट वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट आवर सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशन, कि हम इसे पढ़ने के बाद जानते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है वो हिस्ट्री दैट कैन वी लर्न अ लॉट अबाउट आवर सिविलाइजेशन, हम अपनी सभ्यता के बारे में जानते हैं, हम अपने ट्रेडिशन, हम अपने परंपरा के बारे में जानते हैं, वी नो हम जानते हैं दैट अ लॉन्ग एंड द ग्रेट पास्ट इज कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग अस टू मूविंग फॉरवर्ड इन आवर डेवलपमेंट, क्या बोल रहे हैं कि वी नो दैट अ लॉन्ग एंड ग्रेट पास्ट, हम जानते हैं कि हमारा जो अतीत था वो कितना महान था, कितना बड़ा था, कॉन्स्टेंट हेल्पिंग जो हमें हेल्प करता है मूविंग फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ने में, वो हमें मूविंग फॉरवर्ड हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, हम और हमारे विकास में सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक होता है, हमारा पथ प्रदर्शक होता है. तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि
हिस्ट्री को हमें क्यों जानना चाहिए, हिस्ट्री हमें क्यों जानना चाहिए, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ एक्सरसाइज है जिसे आप कंप्लीट करिएगा और इसके एग्जाम ये जो आंसर है उसे हमें बताइएगा कि इसका इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या क्या आएंगे, ठीक है, क्या क्या फील होंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।